नमस्कार, मी पूनम लेडीज विंगच्या आजच्या भागात आपलं स्वागत करते। तर आज आपल्या सोबत आहेत किरण मुंदडा जी, ज्या तेजस्विनी महिला मंच संस्थापकीय अध्यक्ष आहेत। त्या स्वतः आणि तेजस्विनी महिला मंच सर्व भगिनी समाजामध्ये खूप उत्तम कार्यरत आहेत। तर त्यांचं कार्य कोणत्या प्रकारचं आहे आपण जाणून घेऊयास त्यांच्याकडनं। नमस्कार किरण जी, आमच्या कार्यक्रमामध्ये आपलं खूप स्वागत आहे। नमस्कार, खूप खूप धन्यवाद। मैं हिंदी में ही बात करना चाहूंगी। और आपने बहुत अच्छा किया तेजस्विनी महिला मंच के कार्यों के बारे में पूछकर, क्योंकि तेजस्विनी महिला मंच ये अपनी तरह का एक ही मंच है जो अपने कुछ उद्देश्य के लिए बना हुआ है। क्योंकि हमें यकीन है कि यदि समाज में कोई बदलाव लाना है तो महिलाएं ही ला सकती है। तो हमने बहुत सारे चेंजेस किए। सबसे पहले तो हमारे मंच से जुड़ने के लिए आपकी पहली शर्त हमारी ये है कि आप भोजन झूठा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अन्न झूठा छोड़ना बहुत बड़ा अपने आप में गुनाह है। पानी झूठा नहीं छोड़ते हैं, बिजली का और इंटरनेट वगैरह ये सारी जो सुविधाएं आपको मिलती है उसका अपव्यय नहीं करते। इसके अलावा बैन प्लास्टिक का उपयोग हम कोई नहीं करते। तो ये हमारी शर्तें होती है हमारे मंच से जुड़ने के लिए। उसके अलावा हम कार्य क्या करते हैं, हमारा पहला मिशन है कि नागपुर स्वच्छ हो जाए। तो हमने स्वच्छता अभियान को बहुत जोर शोर से चलाया, हमारे सारी जो योजनाएं हैं वो नगर महानगर पालिका में दी, उसके बाद वो एग्री हुए। उस समय हमने जब ये कार्य शुरू किया तो नंदाताई जिचकार थे, तो उन्होंने हमारा बहुत अभिनंदन किया और हमारे साथ वे जुड़ी। उन्होंने हमें कार्ड दिए थे महापौर मित्र के और हम स्वच्छता अभियान में लग गए। उसके अलावा प्लास्टिक बैन पर हम काम करते हैं। तीसरा हमारा जो बड़ा कार्य है कि यत्र तत्र बहुत जगह महालक्ष्मी जी की मूर्तियां लोग छोड़ देते हैं, हम उन्हें एकत्रित करते हैं और ससम्मान उसका दुग्ध और जल में समर्पित करते हैं। ये हमारे छोटे छोटे कार्य है, उसके अलावा तो कई सारे हैं जो हम कार्य करते हैं। तर मॅम, आज आपण जाणून घेऊया तुमच्या संपूर्ण कार्याबद्दल। तर आपण एक एक गोष्टीला धरून चालूयात। सुरुवात आपण याच्यापासून करूयात की तुम्ही प्लास्टिक बॅन किंवा ज्या कुठल्या सुखी सुविधा एक सामान्य जनतेला मिळतात तर त्याचा अपव्यय टाळावा यासाठी तुम्ही काम करत आहात, असा कुठला एक प्रसंग आला तुमच्या आयुष्यामध्ये किंवा असं काय घडलं की तुम्ही या मंचाद्वारे या सर्व कार्याची सुरुवात केली? खूप छान तुमचे क्वेश्चन। ऍक्च्युअली जब भी हमारे दिल और दिमाग में कोई बात आती है तो वो कहीं से तो उठकर आती है और हमें लगता है कि हम क्यों नहीं। बहुत जगह पढ़ा कि गाय को प्लास्टिक इतना खा रही है कि उसकी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ रही है और गाय की मृत्यु भी हो रही है। ये सबसे बड़ा कारण था हमारा उस अभियान को चलाने का। और बहुत सी जगह ऐसा देखा है कि महिलाएं अपना बचा हुआ भोजन जो है वो प्लास्टिक में पैक करके छोड़ देती है। उसकी वजह से अब जानवर तो जानवर है, उसे तो नहीं समझ में आ रहा है, वो भोजन के लालच में उस प्लास्टिक की थैली को ही निगल जा रहा है। इसकी वजह से ये मैंने खुद ने देखा कि कम हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि आप उसमें ही डालें। तो हमने इस अभियान को फिर जोर शोर से आरंभ किया, महिलाओं को समझाया और इसके लिए काफी प्रयास भी किए। और कहां गली वली में लोग डाल ही देते थे, कई बार ऐसी हो जाती है कि हमारी जो मेड सर्वेंट है वो ही लेकर जाती है और वहां छोड़ देती है। तो इस तरह से हमने पूरा प्रयास किया कि हम प्लास्टिक को बंद करें। तो पहले खुद से तैयारी होती है कि कोई भी कदम तब सफल होता है कि जब आप खुद अपने आप को बदलें। तो आरंभ तो हमने खुद से किया, उसके बाद सब्जी वालों से, ठेले वालों से, सबसे प्लास्टिक लेकर हमने उन्हें थैलियां दी। एक्चुअली सबकी एक परेशानी होती है ना, क्योंकि जैसे आपने कहा कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है कि वो बहुत सस्ती मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है कि वो दो भी देने को किसी को हिचकता नहीं। मतलब मैंने एक प्लास्टिक की थैली मांगी, भैया आप दो ना, तो वो दो दे देता है क्योंकि वो इतनी कम कीमत में मिलती है। तो उसके बाद ऐसा लगा कि फिर इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो हमने उन्हें थैलियां दी कि आपको कितनी थैलियां चाहिए, हम आपको थैलियां देते। ये सब हमने अपने मंच के थ्रू ही किया था। इस तरह से हमने एक चेंज लाया और उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि जब हमने उन्हें पेपर के लिफाफे दिए, कपड़े की थैलियां दी, उस समय नॉन वुमेन बैग चलते थे, हमने वो भी हजारों की संख्या में दिए और धीरे 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 उनकी आदत सुधरी। क्योंकि ये बताया गया कि ये हमारे लिए और आपके लिए नहीं है, आने वाली जनरेशन के लिए है, क्योंकि पर्यावरण ही दूषित होगा तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे। तो ये बात उनको थोड़ी सी लगी कि नहीं ठीक है, पर्यावरण शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हम अपनी तरफ से अपने बच्चों को आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे सारे चीज अच्छे करेंगे, लेकिन वातावरण ही उनके लायक नहीं होगा तो क्या मतलब आएगा। तो एक कदम स्वच्छता की ओर और एक कदम नॉन प्लास्टिक की ओर,
इस तरह से हमने कहा। सुरुवात तुम्ही स्वतः पासून केलेली आहे की प्लास्टिक तुम्हाला यूज करायचं नाही आणि लोकांना सुद्धा करू द्यायचं नाही आहे, कारण ज्यामुळे पर्यावरणाला आणि एक प्राणी मात्रांना सुद्धा याचा खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास होतो। तर हे म्हणायला सुद्धा हरकत नाहीये की तुम्ही एक प्राणीप्रेमी आहात, जसं तुम्ही सांगितलंय गौशाला तुम्ही आहात त्याचं पण निरीक्षण करता, तर त्या गौशाला बद्दल आम्हाला नक्कीच ऐकायला आवडेल। हां बिलकुल, गौशाला उज्ज्वल गोरक्षण ट्रस्ट हे गोरक्षण आहे, गौशाला नाही म्हणायचं याला गोरक्षण, क्योंकि यहाँ पे गाय का रक्षण किया जाता है। प्रीति सुधाजी महाराज साहब आए थे नागपुर में, तब उन्होंने ये चिंता व्यक्त की थी कि जब तक गाय और दूध देती है, जब तक के बैल आपकी खेती के लायक है तब तक के तो आप उसे पालते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके चारा पानी की व्यवस्था नहीं होती तो लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं, ऐसे ही जाने देते हैं, क्योंकि अब वो बच्चा भी नहीं दे सकती और अब वो दूध भी नहीं देती। तो उसकी चिंता उन्होंने जताई और तुरंत ही हमारा जो समाज था उसके लोग तैयार हो गए कि हम इस तरह का एक गौशाला बनाएंगे जिसको नाम हम गौरक्षण रखेंगे। तो वहां पे दूध का बिजनेस नहीं होता है, वहां पर घायल बूढ़ी और अपंग जो गाय हो जाती है, गौवंश ही कह लीजिए आप, उसमें बैल है, सांड है, गाय है, ऐसी जख्मी या जिन्हें गांजी हाउस से पकड़ लिया जाता है, इस तरह की गायों का संरक्षण वहां पर किया जाता है। ये बहुत ही सुंदर स्थान है, वहां जाकर मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि गाय की सेवा करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है वो, क्योंकि अब आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। और जब हम किसी को कुछ देते हैं ना तो अंदर से खुशी बढ़ती है। जी आम्हाला तुम्हाला नक्कीच हा प्रश्न सुद्धा विचारायला आवडेल की लक्ष्मी देवीच्या ज्या मूर्ती असतात त्यांना उचलून आणणं आणि त्यांचं विसर्जन करणं हे तुम्ही आणि तुमच्या मंचाद्वारे हे कार्य केलं गेलं, तर असं काय घडलं होतं किंवा काय संकल्पना तुमच्या डोक्यात आली याबद्दल सांगा। हो, एक दिन ऐसे ही वॉक पर जाते हुए मुझे कचरे के ढेर के पास लक्ष्मी की मूर्तियां नजर आई। अब मेरा मन भी बड़ा व्यथित हो गया कि ऐसे क्यों लोग छोड़ देते हैं, और बहुत आश्चर्य भी हुआ कि लोग इस तरह से लक्ष्मी को छोड़ना क्यों समझते हैं कि उनका विसर्जन न करें कहीं भी छोड़कर आ जाए। मैंने उन मूर्तियों को उठाया, अपने घर तक लेकर गई और एक बड़े से ड्रम में उन्हें डाल के रख दिया। एक महीना हो गया, दो महीने हो गए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, न उनका रंग निकला और न वो कहीं से टूटी या फूटी। तो अब इतनी लक्ष्मी की मूर्तियां जो हमें यदा कदा यहाँ वहां दिख जाती है तो उनका हम क्या करें? यदि मैं उठाकर भी डालूं तो फिर मैं क्या करूं? तो ये प्रश्न मेरे मन में जो था ही, और हमारी मुलाकात हुई बरखा मैडम से और बरखा मैडम के सामने मैंने ये प्रश्न रखा, तब उन्होंने अपने गुरु का नाम हमें बताया, प्रमोद जी वेखंडे। वेखंडे गुरु जी बहुत अच्छे ज्योतिष भी हैं, सलाहकार हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पहले बहुत सारे प्रश्न मुझसे ही किए कि क्यों आपको ये करना है, लोगों ने छोड़ दिया आपको क्या तकलीफ हो रही है। वो मेरी परीक्षा ले रहे थे कि मैं कहाँ तक इसमें संवेदनशील हूँ। तब मैंने उन्हें बताया कि नहीं, इस तरह से जब देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है, और मैंने प्रयास भी किया कि मैं लेकर आ जाऊँ और अपने घर पे करूँ, पर वो हो नहीं रहा है। अब वो साइंटिस्ट है तो उन्होंने बताया कि पीओपी की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियों को आप अलग अलग कर लीजिए, जो भारी है वो मिट्टी की मूर्त है और जो हल्की है वो पीओपी की है। पीओपी की मूर्तियों को गलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की जो बेकिंग सोडा होता है वो कार्य करता है। तो आप किस तरह से इसे करना चाहेंगे? अब हमारा जो मंच है वो पर्यावरण प्रेमी है तो हम नदी और तालाब में तो नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारा एक गोरक्षण भी है, एक आश्रम भी है, वहां पर बहुत खुले इसमें जमीन है हमारे पास, तो ठीक है फिर वहां करते हैं। तो हमने बहुत बड़े बड़े ऐसे टाके बनवाए और उसका दो तरह के टाके बनवाए, जिसमें एक में पीओपी की मूर्तियां और एक में मिट्टी की मूर्तियां और दूध के साथ। उनका ये कहना था कि जब ईश्वर को आप मान रहे हैं तो ईश्वर को सिर्फ पानी में मत करिए, और लक्ष्मी जी का विसर्जन नुकसान नहीं करता, मतलब इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये क्षीर सागर से ही उसकी उत्पत्ति हुई है और वापस पानी में ही यदि जाएगी तो ये कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो हमने दूध और पानी के साथ इन मूर्तियों को अलग अलग करके उनका समर्पण किया। येणाऱ्या काळामध्ये आता तेजस्विनी महिला मंच हा आता कोरोना काळ संपत आला आहे, तर नक्कीच तुम्ही येणाऱ्या काळामध्ये कार्यरत राहाल। या व्यतिरिक्त तुम्ही जो काळ गेलेला आहे कोरोनाच्या पूर्वीच्या दिवसांमध्ये तुम्ही कोणत्या विषयांवर काम केलेला आहे? या व्यतिरिक्त हे आम्हाला माहिती आहे की तुमचा मंच आणि तुम्ही स्वतः पर्यावरण प्रेमी प्राणी प्रेमी आहात,
तर तुमच्या मंचाद्वारे कोणत्या कोणत्या विषयांवर काम केलं गेलं याबद्दल सांगा. बहुत अच्छा अवसर हमें मिला कोरोना काल में. तकलीफ तो ये थी कि वो समय ऐसा था कि आप खुद भी बाहर नहीं जा सकते, मतलब हर जगह जाने के लिए थोड़ा टेंशन हो रहा था कि किसी के पास से भी गुजर जाएं तो तकलीफ होती थी कि कहीं कोरोना तो नहीं आ जाएगा, इतने तरह की भ्रांतियां जो फैली थी. लेकिन फिर हमें अवसर मिला, हमें पता चला कि नगर पालिका ने कुछ ऐसे जो शरणार्थी लोग रहते हैं जो जिनका घर नहीं होता है, ऐसे इन लोगों के लिए निवारा केंद्र बनाया है. उस निवारा केंद्र में लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है. तब हमें वहां से फोन आया और बताया गया कि मैडम आप प्लीज इनकी हेल्प कर दीजिए. तो हम वहां पर जाकर सभी लोगों के लिए अंडरगारमेंट्स पूरे हम लोगों ने दिए. तब जब अंडरगारमेंट्स देने गए तो देखे कि उनके पैरों में चप्पल ही नहीं है. वो धूप का समय था, बहुत चिलचिलाती धूप थी, नागपुर की गर्मी आप जानते ही है. तब उस बात ने हमको आहत किया कि नहीं, इनको चप्पल भी होनी चाहिए. बाकी कपड़े तो थे उनके पास लेकिन अंडरगारमेंट्स, और फिर हमने चप्पलों के लिए शुरू किया. तो हमारे साथ आए सुंदर फुटवेयर से रवि आनंदानी जी, हमें सहयोग किया. हमने कई लोगों की चप्पलें खरीदी और सभी लोगों को चप्पलें दी. इस तरह का ये के आयोजन हुआ. उसके बाद रोटी तो चली रही थी. हमारी सब सखियां, मुझे कहते हुए बिल्कुल अभिमान लगता है कि उस समय जब घर में मेड सर्वेंट नहीं है और ऐसी हमारी महिलाएं जो रूटीन में कोई कार्य नहीं करती, कोरोना काल में इस तरह से हमने उन्हें दिया. और मुझे बड़ा अभिमान लगता है कि जो हमारी सखियां अपने घर में रूटीन में कोई कार्य नहीं करती थी, मेड सर्वेंट सारे काम करती थी, अब कोरोना है तो कोई भी नहीं था, सारे काम हाथ से ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी हर एक ने कोशिश की कि वो 10-10 रोटियां ज्यादा बनाए. और इस तरह से रोटियों का एक कलेक्शन हुआ और हर कोई अपनी तरफ से, जो संस्थाएं उनके मोहल्ले में पड़ोस में काम कर रही थी, उन सबको सभी सखियों ने 10-10 रोटियां एक्स्ट्रा दी ताकि वहां तक भोजन पहुंच सके. जो अभी रोटी जिनकी जीविका रोज के काम पर चलती है वो लोग बहुत मतलब मायूस हो गए थे कि रोज काम कर रहे हैं, रोज पैसा आ रहा है, लेकिन अब काम ही बंद है तो अब पैसा कौन देगा, और एक दिन, दो दिन, 15 दिन, महीना भर कैसे घर चलाएंगे. तो इस तरह की हमारे सखियों ने रोटियों का भी योगदान दिया. उसके बाद हमारे पास खबर आई कि मजदूर जो है वो घर लौट रहे हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है, तब हमने टिफिन बनाकर उन्हें भी दिए. तो जितनी जैसी भी जानकारी मिलती गई हमने वो कार्य किए. और कोरोना काल में भी हम लगातार बाहर निकलकर ये सारी चीजों पर कार्य कर रहे थे. म्हणजे कोरोना काळ असू देत किंवा काही असू देत, तरी तुमचं कार्य थांबलेलं नाही आहे. तर या व्यतिरिक्त आम्हाला आणखी ऐकायला आवडेल की तुमचा तेजस्विनी महिला मंच हा जो आहे हा येणाऱ्या काळामध्ये कसा कार्यरत राहणार आहे, आणि ज्या महिला गण असतात त्या महिला गणांना स्वतःशी जोडणं किंवा आपल्या मंचाशी किंवा कुठल्याही संघटनेशी जोडणं हे थोडंसं अवघड होतं. किंवा कुठल्याही महिला असतात, काम करणाऱ्या असतात किंवा घरच्यांकडनं त्यांना काही परवानगी नसते या सर्व गोष्टींची, तर महिलांना तुम्ही स्वतःशी कोणत्या प्रकारे जोडलं आणि या व्यतिरिक्त तुमचं काम कसं सुरू आहे अजूनही? खूप चांगला क्वेश्चन आहे. अरे मेरे दिल की बात है, मन की बात है कि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा कार्य करे, हर कोई चाहता है, लेकिन उसे मिलती नहीं है मंजिल, मतलब उसे रास्ता भी नहीं मिलता कि जी मैं करना चाहती हूँ पर कैसे करूँ. जैसे हम चाह रहे थे कि लक्ष्मी जी का करें और कैसे करें, जैसे हम चाह रहे थे कि प्लास्टिक बंद हो लेकिन कैसे हो. तो ये सारी चीजों पर हम लोगों ने सोचा और मैंने अपनी जो इष्ट सखियां थी मेरी 8-10 सखियों को कहा कि मेरे साथ कार्य करना चाहोगे क्या, उन्होंने तुरंत ही हाँ कह दिया. क्योंकि कई सारे महिला मंडल होते हैं लेकिन हर महिला मंडल इस तरह का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उनके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, नियम होते हैं, शर्तें होती हैं, तो वो इतनी ओपनली इतने फ्रीडम के साथ काम नहीं कर सकते. और हम लोग जिस तरह का कार्य कर रहे हैं ना उसमें पूरी फ्रीडम जरूरी है कि ऐसा ना हो कि मैंने ये कार्य किया, इतनी थैलियां बांटी, अब मुझे किसी को हिसाब देना है. तो इस तरह का जब फ्रीडम मिले तो कार्य होते हैं. तो हम सखियां मिली, हम 15 ही लेडीज थी, 15 लेडीज ने ही बिल्कुल इतना अच्छा कार्य किया कि हर कोई चाहने लगा कि हमें आपके मंच से जुड़ना है. क्योंकि जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो आप मतलब खुद ब खुद लोग आपसे जुड़ने लग जाते हैं और आपको देखते हैं और प्रभावित होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये कार्य ही करना जरूरी है. हमने भी यही देखा कि जो समाज के लिए जरूरी है वो कार्य हमें करना है. तो इस तरह से हम 15 महिलाएं थी, आज हम 100 महिलाएं हैं और हर कोई अपनी तरह से जो भी योगदान करना चाहती है, जो जैसा चाहती है वैसे हमसे कार्य करती है और हमसे जुड़ी रहती है.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही तेजस्विनी महिला मंच तुम्ही निर्माण केला आहे याबद्दल सांगा. आणि या व्यतिरिक्त आता जो येणारा काळ आहे, आता कोरोनाचा काळ संपत आला आहे, तर नक्कीच तुम्हाला काम करायला बरीचशी मुभा मिळाली आहे, तर कोणत्या प्रमुख मुद्द्यांवर किंवा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तुमचा सखी मंच आणि तुम्ही स्वतः काम करणार आहात? हो, अभी आती है वसंत पंचमी. वसंत पंचमी को हम एक अलग तरह से मनाते हैं. पिछले 3 सालों से हमने कैसे किया है कि जिस जगह कचरा गिरता है हम वहां पर जाके रंगोली बनाते हैं, और रंगोली बनाने के लिए पहले से ही उस जगह का सर्वे कर लेते हैं कि वहां लोगों को प्रॉब्लम क्या है, क्यों इस तरह से कचरा डालना है. और इस तरह से जब हम कार्य करते हैं और वो जगह जब क्लीन हो जाती है तो हम उसी मोहल्ले की महिलाओं को बुलाते हैं और उन्हें रंगोली देते हैं और कहिए चलिए रंग डालिए. रंगोली डालेंगे आपके घर का आसपास जो परिसर है वो बहुत खुश होगा, मतलब अच्छा लगेगा, रंगीन होगा, तो आपको भी अपने घर से झांकने में अच्छा लगेगा. और बड़ी खुशी से वो लोग ये कार्य करते हैं. हम लोगों ने तेलीपुरा बर्डी का एक एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक गली है, बहुत पुराना मार्केट है वो. वहां पर हमें खबर आई थी जब हमने स्वच्छता अभियान आरंभ किया कि मैडम एक बार जाकर राउंड तो लगा कर आइए आप. तो हम वहां पर गए थे, सुबह सुबह 6 बजे हम वहां पहुंचे, तो मतलब नजारा ऐसा था कि कदम कदम पर कचरा था. घर से निकले और डाले, घर से निकले और डाले. नियम था वहां के बड़े लोगों का कि सुबह 5:30-6 बजे उठना है, कचरे की बाल्टी उठाना है, नहाने के पहले बाहर डाल देना है. और वहां पर एक शराब की भी दुकान थी, तो रात भर में जिसने पी थी वो सारी बॉटलें ऐसे फेंकी हुई थी लिटरली. और जो घर का खाना था उसे गाय चल रही थी, वो कांच भी था और वो भोजन भी था. वो देखकर बहुत ही मन ऐसा खराब हो गया कि किस तरह से लोग कर रहे हैं. फिर हमने ठान लिया कि हमें पूरी गली को, पूरी गली वालों को बताना है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है और इसका सॉल्यूशन क्या है. हमने एनएमसी ने हमने बहुत हेल्प की, उन्होंने हमें गाड़ियां प्रोवाइड कराई, वहां के सेंट्रल इंस्पेक्टर जाधव जी ने बहुत सहयोग किया और इस तरह से हमने अपने कार्य को किया. अब इतना मजा आता है कि जिस बिल्डिंग के सामने वो कचरे का अंबार जमा था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की वो जो दुकान है जिसकी सीढ़ियों पर दाल और चावल और रोटी के निशान थे, वो सारे क्लीन हुए, रंगोली डाली गई और 2 महीने बाद उस परिवार में रहने वाली बेटी अपने पीहर आई. और उस बेटी ने देखा, उस समझ में नहीं आया कि यही घर है क्या मेरा, क्योंकि उसने हमेशा कचरे के अंबार के पास ही अपना घर देखा था. वो बड़ी सरप्राइज की, मम्मा ये कैसे हो गया? तब उन्होंने बताया कि हम लोगों के, और उसने लिटरली मुझे फोन किया कि हम लोग बचपन से देखकर चाहते थे कि ये साफ हो लेकिन हम कर नहीं पाए. आपने इसे साफ किया मैडम, बहुत ही अच्छा लगा, मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ. और हम लोग गए थे उनके पास मिलने के लिए और बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा अनुभव रहा. उस पूरी गली वालों ने बाद में हमें बड़ा, मतलब जब हम पहली बार गए थे तब तो बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा, और हम जानते थे कि हम वहां गए तो कोई फूल लेकर हमारा स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि जब हम उन्हें बोल रहे हैं कि इस तरह से आप कचरा मत फेंकिए तो वो उनकी फ्रीडम खत्म हो रही है. लेकिन धीरे 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 हमारे रोज जाने से सुबह शाम दोपहर, मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे घर के पड़ोसी मुझे नहीं जानते लेकिन तेलीपुरा से पूरा मुझे पहचानने लगा था कि ये मैडम आ गई. तो इस तरह से हमने जब ये कार्य किया तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ. वहां के जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि हमने पत्थरों को सिंदूर चढ़ाया, उसे भी रखा कि यहाँ लोग कचरा न डाले, लेकिन उसके बाद बावजूद भी लोग सुधरे नहीं. लेकिन अब आप लोगों के प्रयास से ये बहुत ही सुधर गया है. आज भी तेलीपुरा आप देखेंगे तो नीट एंड क्लीन और साफ सुरक्षित नजर आता है. एक शेवटचा प्रश्न, कि जसं नक्कीच आता तुम्ही सांगितलं की कोणी आपल्या कामाबद्दल म्हणतं की तुम्ही खूप चांगलं केलं तर एक खूप समाधान मिळतं मनाला, तर नक्कीच आपल्या कामाची पावती म्हणून आपल्याला वेगवेगळ्या पुरस्कारांनी पुरस्कृत केलं जातं, तर आपल्याला नागपूर शहरात किंवा नागपूर शहराच्या बाहेर कोणते महत्वाचे पुरस्कार मिळाले याबद्दल सांग. पुरस्कार मिलना तो अच्छा लगता है, मुझे इतना नहीं, लेकिन जो सखियां जुड़ी हुई है उन्हें बहुत प्राउड फील होता है. और बिल्कुल सही बात है कि पुरस्कार मिलने से आपके हौसला भी बढ़ता है और सबको खुशी होती है कि चलो ये कार्य किया ना तो ये मिला है, अब इसके आगे और मंजिल करते हैं. हालांकि हम नहीं चाहते थे कि इस तरह के हमें पुरस्कार मिले. हमारा एक ही सपना है कि नागपुर स्वच्छ हो जाए. हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि इंदौर शहर के जैसा हमारा शहर भी, इसका भी नाम होना चाहिए, और हम उसके लिए प्रयासरत हैं. और अवार्ड जो मिले हैं हमें नागपुर महानगर पालिका ने 26 जनवरी 2019 में सत्कार किया था तेजस्विनी महिला मंच का, कि स्वच्छता में आप लोगों ने बहुत हमें सहयोग किया है.
उसके बाद हमें स्वच्छता अभियान ही तेजस्विनी महिला मंचातर्फे सुरू करण्यात आला आणि त्याच्याशी जोडून घेतलं तुम्ही स्वतः नागपूर महानगरपालिकेला. तर या दोघांची समन्वय करताना तुम्ही स्वच्छता अभियानासाठी तुमची मंचातर्फे काय कार्यप्रणाली सुरू केली होती? खूपच चांगली आमची प्लॅनिंग होती. मैं रोज ही देख रही थी कि रोज स्वीपर्स आते हैं और अपना कचरा झाड़ते हैं और चले जाते हैं. जब डेली उस एरिया की सफाई हो रही है तो फिर कचरा कहाँ से आ रहा है? तो हमने बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कचरा करने वाले बाज नहीं आते हैं कचरा करने से, और जो सफाई कर्मचारी है वो भी उतने अच्छे से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं. जिम्मेदारी इनकी भी नहीं, जिम्मेदारी इनकी भी नहीं, दोनों को भी मिलाना होगा. और जब हम जाके इनसे बोलते हैं स्वच्छता कर्मचारी से कि आपने ये ठीक से नहीं किया, तो वो इधर से उधर से सबकी शिकायतें शुरू कर देते हैं. और जब हम लोगों से कहते हैं तो लोग उनकी शिकायतें करते हैं. तो हम समझ गए कि हमें एज अ मीडिएटर काम करना होगा जो इन दोनों को तालमेल करे. तो दोनों के बीच में हमने ये तालमेल करने का जो सोचा ये सबसे बड़ा था. तब मैंने ये सोचा कि ये जो स्वच्छता कर्मचारी है वो अपना काम तो कर ही रहा है, लेकिन इसे वो सम्मान भी तो नहीं मिल रहा कि जो इसके कार्य के बदले में मिलना चाहिए. मतलब उनका कार्य इतना आसान नहीं है. बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जैसे वो भाई साहब थे, उन्होंने कचरा बाहर डाल दिया और मैंने उन्हें रोका कि आप इस तरह से कचरा मत डालिए, गाड़ी आती है गाड़ी में कचरा डालिए. तो उन्होंने बड़े ताव से आकर कहा कि मैडम पैसे मिलते हैं उसे इस बात के. तब मैंने उन्हें समझाया कि आपको मैं इनसे डबल पैसे देती हूँ, आप करेंगे ये काम, लेकिन हमें अहमियत नहीं है. हम ये नहीं समझ रहे हैं पैसा मिलता है ठीक है, लेकिन उनका काम बहुत मुश्किल है. हम खुद के ही घर में जब कचरा उठाने की बारी आती है तो हम थोड़ा सा रोकते हैं, सोचते हैं, और वो सारी दुनिया को उठाते हैं. तो उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए. और दूसरा, नागरिकों को इसके प्रति जागरूक होना ही चाहिए कि वो उनका कचरे के लिए इतनी व्यवस्था जब नगर पालिका या प्रशासन ने की है तो वो क्यों नहीं उसका यूज करते. तो इस तरह से दोनों में समन्वय बिठाने में एक प्लानिंग जो हमारे दिमाग में आई वो ये थी कि अवेयरनेस नागरिकों में चाहिए और इनको जिम्मेदारी का सम्मान मिलना चाहिए. इस तरह से दोनों को मिलाकर हम लोगों ने मीटिंग ली. अपने जो सारी प्लानिंग थी ये हमने महापौर को सौंपी और एनएमसी ने बहुत आगे बढ़कर इसका हमारा मान लिया कि ठीक है मैडम आप करके देखिए. तो उस समय नंदाताई थी जिचकार मैडम, तो जिचकार मैडम ने स्वच्छता मित्र का हमें कार्ड दिया और सभी से हमारी मुलाकात करवा दी जो हेड रहते हैं ये सारे स्वच्छता कर्मियों के. उसके बाद हमने उन लोगों के साथ बैठकर मीटिंग ली और उन्हें बताया कि जो बहुत अच्छा कार्य करेगा उसे हम सोने की एक ग्राम की गिन्नी देंगे. तो और हम लोग रोज आपको देखेंगे और आपको कोई तकलीफ है तो आप हमें बताइए, हम उसका भी सॉल्यूशन करेंगे. उन्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए ऐसा हमारा मोटो था. और इस चीज ने बहुत कार्य किया कि जब हम उनके साथ नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, उनके साथ बैठकर हमने ये सारी चीजें की तो उन्हें कहीं ये लगा कि ये कुछ अलग है. नहीं तो बहुत सारे लोग आते हैं तो वो ठीक से बात भी नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि हम दिल से उन्हें सम्मान नहीं दे रहे. लेकिन अपने साथ ये बात नहीं हुई और जो जो आपने कहा वो बिल्कुल मानते गए. उनकी समस्याएं भी हमने रखी, गाड़ियां नहीं थी, उनके पास टूटी हुई गाड़ियां थी, बहुत दूर से उन्हें कचरा घसीट के लेकर आना पड़ता था. उनकी समस्याओं को समझ के हमने नगर सेवक से बात करके उन्हें गाड़ियां भी दिलवाई, झाड़ू भी नहीं दिलवाए. और नगर ये जो नागरिक हैं उनके साथ भी हमने बहुत सारी मीटिंग्स की. धीरे धीरे परिणाम नजर आने लगे तो सभी खुश हो गए. और उसके बाद हमने अवार्ड्स का कार्यक्रम किया तो उसका नाम रखा धराभूषण अवार्ड, कि मतलब जो सबसे रेगुलर है, जो पूरे यूनिफॉर्म में है, जो अपने कार्य के प्रति जागरूक है. और ऐसे है प्रशासन के कुछ नियम है कि आपको घड़ी पहननी है, ये सारी चीजों को सारी शर्तें बताने के बाद हमने उसमें से निकाला. और जिस व्यक्ति को हमने पुरस्कार दिया उसका एक अच्छा कार्यक्रम किया था, प्रशासन के सभी बड़े लोग हैं वो आए थे और जिचकार मैडम हमारे साथ थी. और जिसको दिया वो मैं कभी भूलूंगी नहीं, उनके बेटे ने जो कहा था, उसे प्रथम पुरस्कार मिला, उसे सोने की गिन्नी मिली, उसके अलावा चांदी का एक रजत पदक भी मिला और बड़ी सी फ्रेम भी मिली. हमने एक बड़ी शील्ड बनाई थी धराभूषण अवार्ड की. और ये मिलकर वो खुश हुए, उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी ने अपने बेटे को फोन किया, वो ऑफिस में था, वो दौड़कर आया और आने के बाद वो लिटरली उसकी आंखों में पानी था और उसने कहा मैडम आपने आज बहुत बड़ा काम कर दिया. इसलिए कि हम अपने पिताजी को रोज बोलते थे कि क्या सुबह से उठ के चले जाते हो तुम, इतनी उम्र हो गई आपकी, अब रोज किसके लिए काम करते हो, लोग आपको दे क्या रहे हैं. क्योंकि वो ऑफिस में काम कर रहा था और उसके पिताजी गली में झाड़ू लगा रहे थे, तो ये बात कहीं उसे हर्ट कर रही थी.
लेकिन आज उसके पिताजी की मेहनत को जो सम्मान मिला तो उससे वो इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत फोटोग्राफर से फोटो ली कि ये मेरे घर पहुंचे तब तक कि मैं उसके फ्रेम बना के यहाँ लगाऊंगा। ये चीजें हमें इतनी उत्साह देती है कि जो साधारण अवार्ड्स भी नहीं देते ना, ये सारी चीजें हमें बहुत हौसला बढ़ाती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिससे मतलब उसकी जिम्मेदारी को भी सम्मान मिल रहा है, सत्कार भी हो रहा है और लोगों की जो धारणा है वो भी बदल रही है। इस चीज ने हमें बहुत आनंदित किया। और आपको सच बताऊं तो धराभूषण अवार्ड के बाद ही तेजस्विनी महिला मंच की इतनी ख्याति हुई। कहते हैं ना कि जब दोगे तो मिलेगा। हमने जो दिया उसका हमें इतना मिल रहा है कि अब हम तो खड़े हैं कि बस अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें कार्य ही करना है। लेकिन लगातार मिलते पुरस्कारों से तेजस्विनी महिला मंच 3 साल के अंदर, मात्र 3 साल में हमने अपनी बहुत पहचान बना ली है। तो धाराभूषण अवार्ड तुम्ही सांगितलं, तर धाराभूषण अवार्ड या कार्यक्रमामध्ये नेमके तुम्ही किती लोकांना पुरस्कृत केलं याबद्दल सांग। सोचा तो हमने 11 लोगों को पुरस्कार देने का था, लेकिन जब हम उनका कार्य हमने देखा तो हम इतने प्रभावित हुए कि जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होते हैं ना, उस तरह से हमने अपने पुरस्कारों की श्रेणी बढ़ा दी और हमने 27 पुरस्कार दिए सभी को। तो जो पहला पुरस्कार था वो सोने के गिन्नी, रजत पदक और शील्ड थी। उसके बाद के जो पुरस्कार थे वो 20 ग्राम के चांदी के सिक्के थे, वो हमने 5 इसको दिए, जो कि जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसे कहते हैं ना, तो जो गटर और नालियों में जाकर कार्य करते हैं वो इतना अच्छा कार्य करते हैं कि उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता और वो 24 घंटे 24/7 उनको कोई छुट्टी नहीं है। और जब भी कहीं भी प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें ही फोन खटखटाते हैं और वही आते हैं और कार्य करते हैं। उन्हें हमने ये सम्मान दिया। और मैं सच कहूँ तो उनका जो ये कहना था कि हमने कभी नहीं सोचा कि हमें कोई शॉल और श्रीफल देगा और इस तरह से इस मंच पर सम्मानित करेगा, तो ये जो अनुभव है धराभूषण के वो सचमुच भाव विभोर कर देने वाले अनुभव है। तो इस तरह से उन्हें दिए थे 5 अवार्ड। उसके बाद हमने स्वच्छता सुंदरी जो लेडीज विंग थी जो कार्य कर रही थी उन्हें भी दिए अवार्ड्स। 10 पुरस्कार महिलाओं को दिए और बाकी पुरस्कार पुरुषों को दिए। जी तुमच्या कामाची पावती म्हणून आपण ज्याला नेहमी लक्षात घेतो अशी गोष्ट म्हणजे असतात पुरस्कार। ते पुरस्कार कोणते महत्त्वाचे होते ज्यांनी तुमचा मंच पुरस्कृत झालेला आहे? पुरस्कार महानगरपालिकेने 26 जनवरी पे पुरस्कार दिया, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया। और कामाची पावती म्हणून प्रत्येकाला पुरस्कार फार महत्त्वाचे ठरतात, तर तुमच्या मंचाला कोणत्या पुरस्काराने पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे आजपर्यंत? हाँ, हमें पुरस्कार मिला था बेस्ट महिला मंच का, मिला था हमें विदर्भ की बेस्ट महिला मंच, दैनिक भास्कर ने पुरस्कार किया दिया। और उसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया और ऋचा मैम ने निकाला था महिला मंडल के लिए, उसमें भी प्रथम पुरस्कार तेजस्विनी महिला मंच ने लिया। उसके अलावा ग्रामायण एक संस्था है जो गाँव के लिए कार्य करती है, वो तो इसी महिला मंच के कार्यों से इतने प्रभावित हुई, उन्होंने भी हमें पुरस्कृत किया। महानगर पालिका ने हमें पुरस्कार दिया। और उसके अलावा अभी अभी तेजस्विनी महिला मंच को मुंबई से राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है कि जिसमें आपको सम्मान पत्र मिला है और कई सारी चीजें उन्होंने हमें भेजी है। उनका एक कार्यक्रम होता है लेकिन क्योंकि कोरोना है तो हम लोग वहां गए नहीं, तब उन्होंने पार्सल भेजा है। अभी परसों ही 30 तारीख को नितिन जी गडकरी के हाथों सुरेश भट्ट सभागृह में सम्मान हुआ, जिन्होंने कोरोना काल में NMC को मदद की थी। ऐसी सारी संस्थाओं का उन्होंने सम्मान किया, तो इसमें तेजस्विनी महिला मंच का भी सम्मान किया गया। तर आज आपण जाणून घेतलं किरणजी मुंदडा आणि त्यांचा तेजस्विनी महिला मंच हा कोणत्या प्रकारे समाजात कार्यरत आहे, वेगवेगळ्या विषयांवर त्या स्वतः आणि त्यांचा महिला मंच हा समाजसेवेसाठी नेहमीच तत्पर असतो। तर भेटूया लेडीज विंगच्या पुढील भागात, तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा।